1947 के बीच का जो कालखंड है उसमें जो प्रेरक घटनाएं घटी हुई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में या प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, तो उनकी कहानियों को जो है यहाँ पे सुनाने के लिए जो है हमने अपने टीचर्स को बुलाया हुआ है। ये प्रतियोगिता दो चरणों में होती है। पहले चरण में ये प्रतियोगिता जनपद स्तर पर संपादित होती है। वहाँ पे जो है प्रत्येक जनपद में 10 जो है शिक्षकों का चयन किया जाता है, 5 पूर्व माध्यमिक स्तर के और 5 प्राथमिक स्तर के, और इसके बाद एक एक टीचर जो बेस्ट होता है प्राथमिक स्तर का और पूर्व माध्यमिक स्तर का, उसको यहाँ पे अपनी कहानी प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। और इस जो प्रतियोगिता है इसके बहुत दूरगामी परिणाम है, क्योंकि ये शिक्षक जो इस विधा के माध्यम से अच्छा शिक्षण करते हैं तो वो जो है बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंगेजमेंट करते हैं, बहुत अच्छा संवाद स्थापित करने में सक्षम होते हैं। और संवाद स्थापित करना शिक्षण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक आयाम है। तो इस लिहाज से इस कहानी सुनानी विधा को हम लोग प्रमोट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं और जो हमारी जूरी है वो अच्छे शिक्षकों का चयन करेगी और ये एक दूसरे से सीखेंगे, प्रोत्साहित होंगे और आगे जो है इसको अपने विद्यालयों में किस तरह से उनको अपनी शिक्षा विधाओं को सुधार करना है वो सीखेंगे। सो ये पूरा प्रोग्राम है। कहानियों को चयनित होगी इंडिया पक्ष तब तक कहानी सुनाई जाएगी, मतलब कहानियों के माध्यम से क्या लगता है कि शिक्षक है उसमें कितना मैसेज जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अरे जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि हम लोग 75वां जो है स्वतंत्र